हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड का एक टॉपिक एंटी डी प्रसेंट्स एंटी डी परसेंट या एंजाइनोलाइटिक्स तो एंटी मतलब विरोध करना और डी परसेंट ये उदासी या अवसाद इसको आप उदासी या अवसाद बोल सकते हैं ठीक एंजाइनोलाइटिक्स एनजाइनोलाइटिक्स पिछले टॉपिक में हमने देखा था ये चिंता मुक्त दवा इसको हम कह सकते हैं या चिंता मुक्त तो डिप्रेशन डिप्रेशन इज ए मूड डिसऑर्डर डिप्रेशन यानी उदासी जो है ये मूड डिसऑर्डर है मनोदशा रोग ठीक मनोदशा रोग मन का ये रोग है मनोदशा रोग या डिसऑर्डर है और एरीज ड्यू टू डिस्टिबेश डिस्टिबेंस एरीज ड्यू टू डिस्टिबेंस डिश्ट, इन द डिस्टर्बेंस मींस क्या होता है अशांति या उत्तेजना इन ब्रेन जो कि हमारे मस्तिष्क में होती है ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डिप्रेशन आर कॉल्ड एंटी डिप्रेसेंट्स वो ड्रग जो हम डिप्रेशन में यूज करते हैं डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में यानी ट्रीटमेंट उपचार में जो यूज करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट दे आर आल्सो नोन एज एंटी मेमिक एंटी मैनिक का मतलब मैनिक का मतलब होता है पागलपन सन की ठीक और एंटी का मतलब विरोध जो उसको रोके यानी जो ठीक करे आर मूड स्टेपलाइजर स्टेपलाइजर मनोदशा को स्थिर करे या शांत करे मूड को मूड स्टेपलाइजर उसी को बोलेंगे जो हमारी मनोदशा को शांत करे या स्थिर करे तो एक लाइन की ये डिफिनेशन है और बहुत आसान भी है आप इससे जो है समझ सकते हैं और अब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बस इतने देखना है और क्लासिफिकेशन अब देखते हैं क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो इसको दो भागों में कटग्राइज किया गया है एक मोनोअमीन मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है जो कि इनहिबिट करता रोकता है वो ये दवाएं इसके अंतर्गत आती हैं तो ये दवाएं कौन कौन सी हैं अमीनो अमी अमीप्रोमाइन अमीप्रोमाइन और डेसी प्रोमाइन डेसी प्रोमाइन और अमी अमी ट्राई, अमी ट्राई ट्राई फाइटिन प्राइन प्राइटीनिल प्राइटनील और इसके बाद जो है नाइट्रोफाइटोलिन नाइट्रोफाइटोलिन है और इसके बाद की जो है डॉक्सीपिन डॉक्सीपिन इसके बाद की ड्रग है तो इतनी ड्रग क्या आती हैं मोनोअमीन के अंतर्गत आती हैं ठीक अब ट्राइसाइसाइकिलिक एंटीडिप्रेसेंट नंबर दो ट्रा, ट्राइसाइकलिक एंटी डिप्रसेंट के अंतर्गत कौन कौन सी ड्रग आती हैं पहला ट्राइनाइल ट्राइनाइस ट्राइनाइल साइ प्रोमाइन ट्राइनाइल साइप्रोमाइन ठीक और दूसरा फाइनल ओ फिनाल फिनाल जिन तीसरा फिनाल जिन आती है और तीसरी ड्रग है आइसो आइसो कार्बो, कार्बो सा, ओ कार्बोसाजेड कार्बोसा जेड ये जो है किसके अंतर्गत आती है साइक्लिक एंटी डी परसेंट के अंतर्गत ठीक तो इसमें पहली ड्रग देखते हैं हम जिसका वो फिनाइल फिनाइल जीन सल्फेट क्या फिनाइल जीन सल्फेट जो कि हाइड्रोजन डेरिवेटिव है और हाइड्रोजे हाइड्रोजीन जो है ये व्युत् व्युत्पन्न है हाइड्रोजीन का व्युत्पन्न है या उसकी सजात है जो बायो बायोएक्टिव कंपाउंड है ठीक ये बायोएक्टिव कंपाउंड है और इसका ब्रांड नेम ब्रांड नेम इसका नॉर्डिल है नॉर्डिल इसका ब्रांड नेम है और केमिकल नेम की बात करें तो टू फिनाइल ब्रेकट बन हाइड्रोजीन और स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एन एच एन एच टू अब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इस पर सबसे पहले इसका नेचर देखें प्रकृत देखते हैं कि किस प्रकृत का है तो वाइट क्रिस्टलाइन विथ पंजेंट ऑर्डर यानी वाइट सफ़ेद रंग का क्रिस्टलाइन पाउडर ओ पाउडर है पंजेंट मतलब तो तीखा ऑर्डर तीखी दुर्गंध इसमें आती है और सॉलबलिटी की बात करें तो फ्रीली सॉल्बल फ्रीली सॉल्वल इन वाटर इन सालबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इंसॉल्वल है मेल्टिंग पॉइंट की मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 166 टू 168 सेंटीग्रेड पे ये मिल्ट हो जाता है केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इक्व सोल्यूशन इक्व सोल्यूशन गिफ्स रेड पेसीपिटेट इक्व सोल्यूशन के साथ ये लाल रंग का अवचेप जो है पेसीपिटेट होता है विथ क्यूपरिक टाइट्रिक सेल्यूशन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ठीक और स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबल टू दी फेयर एयर अनस्टेबल टू दी एडवासफेयर एयर ये एडमासफेयरिक एयर में अनस्टेबल हो जाता है स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो बेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में हम इसको रखते हैं और यूज की बात करें तो एंटी डी परसेंट एंटी डिप्रेसेंट में इसका यूज है अवसाद को खत्म करने के लिए और फार्मुलेशन की बात करें तो टेबलेट फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल है दूसरी ड्रग की बात करें दूसरी ड्रग की बात करें तो ट्राइ ट्राइनाइल साइ साइप्रामाइन साइप्रामाइन सल्फेट ट्राइनाइल साइप्रामाइन सल्फेट की बात करते हैं तो ये इट इज ए साइक्लिक एमाइड um, ये साइक्लिक एमाइड है साइक्लिक मतलब होता है चक्रिय ठीक और ये हेट्रोसाइक्लिन कंपाउंड कंटेनिंग टू आर मोर नाइट्रो नाइट्रो रिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग टू नाइट्रो नाइट्रोजन एटम नाइट्रोजन एटम हेटरोसाइक्लिक रिंग में होता है और ये ब्रांड नेम इसका देखते हैं तो ब्रांड नेम परनेट है ट इसका ब्रांड नेम है और केमिकल नेम की बात करते हैं केमिकल नेम की बात करते हैं तो टू फिनाइल साइक्लो प्रोपैनामाइड ठीक और स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सी एच टू एन एच टू एच टू एसओ फोर ठीक और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सबसे पहले नेचर की बात करते हैं तो इसमें वाइट पाउडर विथ सन्ना मल डाई हाइड ओ डाई हाइड्राइड लाइक ऑर्डर ये वाइट कलर का पाउडर होता है और ये सन्ना मल डाईहाइड्राइड लाइक ऑर्डर होता है ठीक और इसकी सॉलेबलिटी की बात करें तो रेडली मतलब रेडली रेडली सॉलेबल इन वाटर ये सरलता से वाटर में शॉलेबुल हो जाता है सेलेबल इन इथर एंड क्लोरोफार्म में स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल इन रूम टेम्परेचर यह कंपाउंड रूम टेम्परेचर पर स्टेबल रहता है और इस, स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में इसको रखते हैं बेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं यूज की बात करें तो पेशेंट विथ सर्वेरे मेंटल डिप्रेशन मतलब बहुत बड़ा या काफ़ी जो मेंटल डिप्रेशन है डिप्रेशन है अवसाद है उसी में इसका यूज है फार्मुलेशन की बात करते हैं तो इसका जो है टेबलेट फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल है अब तीसरी ड्रग की बात करते हैं तो अमीट्राइ पैथालीन अमिट्राइ पैथालीन हाइड्रोक्लोराइड ठीक ये ड्रग होती है इट इज इट इज ए एजी पाइन डेरीवेटिव क्या होते हैं ये रिड्यूस ये रिड्यूस आर ऑक्सी एक्सीडाइज रिंग सिस्टम वन हाइड्रोजन वन शॉर्ट साइंस एंड सब्स्टिट्यूट आप डेरी ठीक और ये ब्रांड नेम की बात करें तो ट्राई ट्राई पाई ट्राई पाई टी, टी जोल इसका ब्रांड नेम है केमिकल नेम की बात करें तो फाइव ब्रेकेट क्लोज थ्री मेथाइल अमीनो प्रोफाइल ब्रेकेट ओ ब्रेकेट ओपन ब्रेकट बंद और टेन एलेवन डाई हाइड्रो फाइव एच फाइव एच एंड डाई डाईबिन जो डाईबिन जो साइक्लो साइक्लोपेंटीन ठीक और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो नेचर इसका देखते हैं तो वाइट पाउडर विथ बिटर बर्निंग टेस्ट ये प्रकृति इसकी होती है सफ़ेद रंग का पाउडर होता है और विथ बिटर यानी जलने ओ क्या कहते हैं बिटर कड़वा टेस्ट होता है और जलने के जैसा टेस्ट होता है सॉलबलिटी की बात करें तो ये जो है सॉलूबल इन वाटर अल्कोहल वाटर और अल्कोहल में ये सॉल्यूबल है इन सॉलबल इन क्लोरोफार्म में इंसॉल्यूबल है मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो 195 टू 199 सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट हो जाता है केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो नो रेड बिल प्रोड्यूस इन पंद्रह मिनट विथ क्यून हाइड्रोन इन मेंथाल विथ इक्व सल्यूशन इन अमीटो अमीटोटाई पाइथुलिन हाइड्रोक्लोराइड रेड कलर ये जो है बिल भी प्रोड्यूस नहीं करता है इन इनके साथ स्टेबिलिटी की बात करें तो अनस्टेबल इन लाइट लाइट में ये अनस्टेबल यानी ख़राब हो जाता है स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो बेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में इसको रखते हैं और यूज उसी की तरह सेम है और ये जो है इसकी टेबलेट पाई जाती है अब आखिरी ड्रग है नार्ट पिथालिन। नार्ट पिथालिन हाइड्रोक्लोराइड जो कि ब्रिटिश फार्माकोपिया में उपलब्ध है और ये जो है एजिपाइन का डेरिवेटिव है सेम उसी की तरह एजिपाइन का ये भी डेरिवेटिव है और केमिकल नेम की बात करें केमिकल नेम की बात करें तो फाइव ब्रेकट थ्री मेथाइल प्रोफाइल प्रोफाइल डीन ठीक और ये टेन एलेवन हाइड्रो फाइव एच डाई बेंजो साइक्लो हेप, हेप्टो टीन ठीक ये इसका जो है केमिकल नेम है और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये भी इसका सबसे पहले नेचर इसमें देखेंगे तो नेचर ये जो है ये भी वाइट पाउडर है विथ करेक्टरिस्टिक ऑर्डर एंड बिटर टेस्ट बिटर टेस्ट यानी तीखा टेस्ट है शॉलेबिलिटी की बात करें तो शॉलेबुल इन वाटर एंड अल्कोहल में ये शॉलेबुल है और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इससे डिफरेंट है ये जो है डिफरेंस है ये जो है वो टू हंड्रेड फिफ्टीन टू टू हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कंपाउंड मेल्ट हो जाता है ठीक केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उसी तरह से जैसे इसका है तो इसमें नो रेड कलर देता था और इसमें रेड कलर रेड कलर परफॉर्म करेगा यानी उत्पन्न करेगा प्रोड्यूस करेगा बिल प्रोड्यूस विधविन फ्यू मिनट कुछ मिनट में विथ उसी के साथ जैसे हाइड्रो हाइड्रोन एंड मैं विथ इक्व सोल्यूशन इन पैथाइलिन हाइड्रोक्लोराइड के साथ ठीक और इस, स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल टू लाइट लाइट में ये स्टेबल रहता है स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो बेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में इसको स्टोर करते हैं जिसमें प्रकाश ना जा सके और यूज की बात करते हैं यूज की बात करते हैं तो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ सर्फ डिप्रेशन उसी की तरह कठिन अगर मतलब मानसिक जो है उदासी है तो उसमें इसका यूज है और इसका टेबलेट कैप्सूल और लिक्विड फार्म मार्केटेड मार्केट में अवेलेबल है और आप इसका स्क्रीन ले सकते हैं क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं